भारत इतिहास की एक महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज की जो सीरीज है, जो आज के आपके टॉपिक है, वह पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक युग, माने वहां से प्राचीन इतिहास की जो शुरुआत होती है, कहां कहां से आपके परीक्षा प्रश्न बन सकते हैं, उनकी सीरीज आपके लिए निःशुल्क देशहित में, राष्ट्रहित में है। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, जहां जरूरत लगे आप प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। पूरा पाषाण काल में आदिमानव की मनोरंजन का साधन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें, एक शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो पूरा पाषाण काल भी कर देखें तो तीन भागों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है केवल पाषाण काल को। अगर हम यहाँ पे पूरा पाषाण की बात करें कि पूरा पाषाण क्या है, तो ये 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यहाँ पर पूरा पाषाण युग सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन या हिम युग में हुआ। पूरा पाषाण काल में ही मानव सभ्यता का विकास का प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है। इस काल में मानव शिकारी था। जब मानव शिकारी था तो सीधी सी बात है, उसे कौन सा खेल पसंद होगा, तब यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा। जी, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये निःशुल्क क्लास फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर लाइव है। लेक्चर सुनते रहिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है तो। क्योंकि इन्हें धातु कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा पाषाण काल के लोगों को धातु का कोई ज्ञान नहीं था, कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। ये औजार के रूप में पेम्बुला, हैंड एक्स जिसे हस्त कुठार कहते हैं, क्लीवर जिसे विदारणी कहते हैं, इसकी प्रधानता होती थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से मैं उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से है। ये मध्य प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा नदी के किनारे है। यहां से शैल चित्रकारी उदाहरण है। जी हाँ, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला की सबसे समृद्ध संग्रह माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, शायद आपको दिख रहा होगा, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आपके द्वारा गलती जरूर होगी। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, चाहे आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर, चाहे प्राइमरी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी या दरोगा, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए रामबाण की भूमिका निभाएगा। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अब इतना तो कर सकते हैं ना, कि ये भी नहीं करेंगे आप सब। चलिए अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा काम है, ध्यान देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फिर पुनः, अगर नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पशु क्या है, सभी लोगों का जवाब आया है, लेकिन कुछ लोग के जवाब नहीं सही है। हाँ, गलत ज्यादा लोगों ने बताया है। अगर नवपाषाण काल की बात करें तो पशुओं के पालतूकरण का मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो चुका था। अगर यहां पर मध्य पाषाण काल होता तो यह होगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तब आपका कुत्ता सही होता। लेकिन यहां पे नव पाषाण काल का है, तो जो नव पाषाण काल है माने मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता है। लेकिन यहां पर 11,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु था, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए होगा। नवपाषाण काल का उत्तर भेड़ होगा। सुअर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 7,500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा गधा 4,000 ईसा पूर्व, इनके पालतूकरण के साक्ष्य मिलते हैं। जी हाँ, देखिए मैं एक एक करके लिख देता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे कुत्ता, कुत्ता की अगर हम बात करें तो यह है, ध्यान दीजिएगा, 15,000 ईसा पूर्व। लेकिन कुत्ता के बाद अगर अगला कोई आता है तो जी हां, वह आपकी बकरी आती है, भेड़ आती है, भेड़। यह 11,000 से लेकर 9,000 ईसा
पूर्व तक। क्लियर? गलती मत करिएगा परीक्षा हाल में, वरना आप पछताइएगा। शुगर की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व, ठीक है। बकरी गाय, बकरी व गाय 8000 ईसा पूर्व, ठीक है। बकरी गाय हो गई। बिल्ली की बात करें तो ये आपको लगभग 7500 साल, ठीक है। मुर्गी की बात करें, ये पालतू है सभी। मुर्गी कब है? 6000 ईसा पूर्व। घोड़ा गधा की बात करें, घोड़ा या गधा ये लगभग 4000 ईसा पूर्व। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला अगर पालतू पशु अगर हम देखेंगे तो पहला होगा प्रथम मानव का पालतू पशु, वो आपका कुत्ता है। लेकिन यहां पर नौ पाषाण काल पूछा है, तो नौ पाषाण काल में आपका जो उत्तर होगा वह ए इसका सही और राइट आंसर होगा। क्या जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं क्या सबको समझ में आ गया, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे अभी तक समझ में नहीं आया हो? क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। जी हाँ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे, ऐतिहासिक सीरीज होगी आपकी। हाँ हाँ, गधा गधाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर ये समझ में आ गया, ठीक। चलिए, पहले सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे तुरंत कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद इस दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट, चाहे आरओ एआरओ, चाहे जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल की खोज हड़प्पा ही हुई थी। क्या हुई थी? हड़प्पा ही हुई थी। तो ये तो आप लोग को पहले से पता होगा। मैंने यहां से, मैं उम्मीद करता हूं गलती होने कोई सवाल ही नहीं है आपका, कि यहां से भी आपका गलती हो जाए, ठीक। चलते हैं फिर और आगे हम, क्योंकि तब तक मेहनत करना है जब तक सफल ना हो जाए। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी, कौन? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने पश्चिमी पंजाब से हड़प्पा नामक स्थल उत्खनन किया, खुदाई किया, जहां पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। जी हाँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? अगर अभी भी नहीं है तो भैया हम और आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के स्थलों को सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है, क्योंकि इसे, जी हाँ, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी सबसे पहले खुदाई होती है। वीडियो साफ चल रहा है, HD में चल रहा है, एक बार ध्यान से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? यह एक अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, जल्दी से जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आपका जवाब जरूर आना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सिंधु सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, क्योंकि जो आर्य आए थे वो ग्रामीण थे, जो ग्रामीण थे और उनके पशुपालक थे, उनके पास सबसे जो पसंदीदा उनका पशु था, जो अनोखा जानवर था, उसका नाम घोड़ा था। क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसी लिपि चित्रात्मक थी, इससे कोई मतलब नहीं, आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो यहां पर अगर हम प्रश्न के उत्तर की बात करें, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ये होगा, आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से था, इसलिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा हमारे और आपके अनुसार वह क्या होगा? ए राइट आंसर होगा।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या कोई किसी को समस्या है, हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण, लौह युग। ताको पता होगा लोहे से परिचित नहीं थे, ये गलत हो गया। तो एकदम आसान उत्तर है, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से था। यहां के लोग तांबा और टिन, तांबा प्लस टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। यह भी पूछता है किसे मिलाकर? इस युग के प्रमुख धातु कांसा थी, इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह ताम्र प्रसार कालीन एक नगरी सभ्यता थी। ये कैसी थी? यह एक नगरी सभ्यता थी। क्लियर हुआ? अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता? माने यहां पे ध्यान दीजिएगा, तीन मिलता है और एक नहीं मिलता है। जो आपको जवाब देना है वो ये बताना है कौन सा नहीं मिलता। जी हाँ, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जवाब भी होना चाहिए कि कौन सा नहीं मिलता। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी। नहीं है, तीन है और एक नहीं है। चलिए तो हम ही बताते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो। देखिए, बाघ का मिलता है, गैंडा मिलता है, हाथी मिलता है, गाय का नहीं मिलता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है। इसके दाहिनी ओर हाथी, बाघ, बाईं ओर गैंडा है। भैंसा सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियां, मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है, इसलिए न गाय की मिली है न घोड़े की मिली है। ये याद रखिएगा, भैंसा मिला है, गैंडा मिला है, लेकिन गाय नहीं मिला। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा, जो गलत है वही सही है। क्या अब भी आपको समझ में नहीं आया? जो इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं, क्या अभी भी आपको कोई दिक्कत है इस क्लास की सीरीज में? अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? बताइए जल्दी से सभी साथी कि किस देवता की जो आकृति थी वह वहां पर चिन्हित थी। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये इतिहास की सीरीज क्या? अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए ऐसे प्रश्न अगर आपने नहीं सही किए फिर शायद कमियां हैं अभी। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो। यहां पे पशुपति होगा। अभी हमने देखा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर, तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर तीन सिंह हैं, बाईं ओर गैंडा, दाईं ओर भैंसा, हाथियों बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने आद्य शिव बताया है। मार्शल ने क्या कहा है? आद्य शिव। किसने कहा है? मार्शल ने। ठीक है, यह बात याद रखिएगा आप लोग। यार आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे क्या? चलिए नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ी सी क्लास छोटी ही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा कि सिंधु घाटी के लोग, सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं बताइए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण,
पशुपति किसकी करते थे? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। जल्दी से कमेंट करिए। अब की बार एक सीट हमार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, एकदम सही आप लोगों ने बताया। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों को खोजा था? जॉन मार्शल, आईडी बनर्जी, एका निगम, दयाराम शाहनी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इस वीडियो को चाहे जहां भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है, सामान्य दिन जहां भी आएगा वहां पे इतिहास अपने आप आपकी परीक्षा में जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि बिना इतिहास के सामान्य दिन की कल्पना भी कोरी प्रतीत होती है। ठीक, चलते हैं और आगे देखते हैं। तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, चलिए हम लोगों ने ध्यान दिया यहां पे कि इसका पूरा नाम हम पहले बता देते हैं, अलेक्जेंडर कनिगम। इनका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर, जी हां, अलेक्जेंडर कनिगम ने कब 1853 में तथा 1873 में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। मैंने स्पष्ट कहा जो सही विकल्प हो, अवशेषों को 53, फिर आगे चलकर 1873। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी होगा, अलेक्जेंडर कनिगम। माने अगर आप छोटी छोटी गलती करेंगे तो यकीन मानिए परीक्षा हाल में कितनी बड़ी गलतियां होती, जो आप लोग यहां पे गलती कर रहे हैं। बताइए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया रेगुलर क्लास पढ़िए, वरना अगर ऐसी गलतियां करेंगे यकीन मानिए आपको काफी नुकसान हो सकता है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, आसान प्रश्न है, खाली थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और उम्मीद करते हैं आप उत्तर इसका जरूर देंगे। बताइए लीली। चलिए, अब आप नहीं बताएंगे तो हम कर क्या सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बता भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुक्का तो नहीं मार रहे ना आप लोग। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? यहां पर पहली नगरी सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी थी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सोचिए, आज के लगभग 4500 साल पहले हम सभी एक नगरी सभ्यता में जीवन यापन करते थे। ठीक है, सही हुआ सबका लग रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती है, देशित में राष्ट्रित में। अरे कोई बात नहीं, जवाब देना चाहिए, गलत हो सही जवाब जरूर देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पहचानी नहीं जा सकी। माने जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ है
लेकिन 21वीं सदी में हम आ गए हैं, आज तक हम इसे नहीं पढ़ सकते। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि अभी तक इस सभ्यता की लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है। माने इस जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता लिखना चाहें लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, इस कारण से। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? एकदम आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए जल्दी से कमेंट करके, मृतकों का टीला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हलवा वाला प्रश्न है, अगर आप भी नहीं बता पाएंगे तो यार थोड़ा सा मुझे भी लगेगा यार क्या बात है कि आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। चलिए तब हम लोग और आगे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं, मृतकों का टीला। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि जो मृतकों का टीला है वो हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। बनवाली, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, ये गंगा घग्गर नदी के बाएं तट पर मिलता है। यहाँ पे 6 सबसे बड़े नगरों में से एक था, इसे सोती संस्कृति कहते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष मिलते हैं, भूकंप मिलते हैं, अलंकृत ईंट मिलती है, जल निकास प्रणाली मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो काफी महत्वपूर्ण है। ये वो लोग लाइव देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में क्या कोई और विशेषता बता सकते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट करके कि क्या आप मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। इसका प्रथम खोज 1922 में कौन किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। यहां पर विशाल स्नानागार, यहां पे ईंट पकाने की भट्टी मिली है, लेकिन अभी कब्रिस्तान नहीं मिला, लेकिन 21 कंकाल जरूर मिले हैं। चांदी के बर्तन, कपड़े के अवशेष, तराजू, सिलबट्टा, बालूम लगाने वाली पिन, एक बसुला भी यहां पे मिला था। ये काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। ये दयाराम साहनी ने, जान मार्शल के देता दयाराम साहनी, इसकी खोज की थी। और यहां पक्की ईंट से अति विकसित जल निकास प्रणाली के अवशेष मिलते हैं। यहां उर्वरता की देवी योनि से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। यहां पे ताबूत में 100 रख के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बनवाली की बात करें तो जो लोग बनवाली, शायद आप लोग कुछ लोग को पता होगा कि ये बनवाली कहां पर है, कोई कमेंट करके बता सकता है कि बनवाली कहां पर है? सभी लोग बताइए, कमेंट कर बताना। ये हरियाणा में है, ये हरियाणा में है, ये कहां पे? हरियाणा में। शतरंज के बोट के आकार का यहाँ पे जल मिलता है, यहाँ पे नाली व्यवस्था उत्तम मिलती है, वास बेसिन मिलता है जिसे धावन पात्र कहते हैं, अग्निवेदिका, मकानों के पास चबूतरा, जौ के दाने मिलते हैं, तांबे का बाण, कुल्हाड़ी मिलती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली बनवाली में मिलती है, हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी मैंने जस्ट बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ राखलदास बनर्जी बनर्जी ने इसकी खोज की। ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, ये सिंधु प्रांत में। बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो भी साथी इसको लाइव देख रहे हैं,
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए यार। पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात करेगा तो सिंधु प्रांत, सिंधु प्रांत अब पाकिस्तान में हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पे अगर हम देखें तो इसकी खोज राखाल राखाल दास बनर्जी ने किया था, बाकी इसके पहले मैंने इसके बारे में बता ही दिया। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहां मिला बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। यह आपको मिलता है विशाल अन्नागार, स्नानागार भी मिलता है, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए, इसका उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, मोहनजोदड़ो। यहां पर बृहद स्नानागार मिले। अगर बृहद स्नानागार की बात करें, यहां पे अन्नागार मिलता है, इसमें ईंट के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ भी मिले हैं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। यार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं और शॉर्ट में पढ़ा दूं, भैया और शॉर्ट में पढ़ा देता हूं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है, जल्दी बताइएगा। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में है, सिंधु, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। अमरी सिंधु में है, कहां पर, सिंधु में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, बताइए लोगों का मुख्य धंधा क्या था, बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, इनका कृषि था, देखिए नेट एकदम HD है, मैं भी वीडियो ओपन करके रखा हूं, ठीक, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, एकदम वीडियो HD चल रहा है, यहाँ पे लाइव है। सैंदौज निवासी जो उनका मुख्य उद्यम था वो कृषि था। सिंधु की जो सहायक नदी उर्वरक मिट्टी बहाकर लाती थी, पैदावार अच्छी होती थी, जहां पे गेहूं और जौ प्रमुख रूप से थे। कौन कौन से, गेहूं जौ, ये प्रमुख रूप से थे। इसी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर मैंने बंदरगाह कहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। क्या हुआ, जवाब नहीं देंगे क्या? अगर देखिए आप जवाब नहीं देंगे तो भी हमारा उद्देश्य है भाई पढ़ाना, ऐसा नहीं है कि हम आपको ना पढ़ाएं ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो लोथल में था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे, भोगवा। भोगवा नदी के किनारे था। इसके पूर्वी भाग में गोरी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज एसआर राव ने किया था। किसने किया था, एसआर राव ने इसकी खोज किया था। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसके बाद आगे बढ़ूं और आपके तथ्यों को और अच्छे से बताने का, समझाने का प्रयास करो, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, रोपड़ है। जी हाँ, क्या है आपका? रोपड़ है, रंगपुर है, कालीबंगा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत। परीक्षा में कभी सिंध प्रांत के नाम से पूछता है। ठीक, इसलिए बात आप लोग जानते रहिएगा। तो जरा बताइएगा कि कालीबंगा कहां पे है, कोई कमेंट करके बताएं कि कालीबंगा कहां है, रोपड़ कहां पर है, सही बताइए करके, ताकि आपको पता हो जाए ना। बताइए, अब आप नहीं बताएंगे तो क्या करें, बताइए। देखिए, रंगपुर ये गुजरात में है, ये गुजरात में रंगपुर है, मादर नदी के निकट है। यहां पे हड़प्पा संस्कृति के साक्ष मिले हैं। उसके अलावा कालीबंगा कहां पे है, रोपड़ कहां पे है, बताइए सभी लोग। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहां पे आपका? पंजाब में है। सतलज नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, ये सतलज नदी के बाएं तट पर है। और यहां कब्र में आदमी के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष मिला है, जो कश्मीर का शवाधान प्रणाली था। आदमी के साथ कुत्ता, कालीबंगा की बात की जाए तो राजस्थान में है। ये कहां पर है? राजस्थान में है। जी हाँ, ये घग्गर नदी के बाएं तट पर है। छह सबसे बड़े नगरों में से एक था, इसे सोथली संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यहां पे सौ को धान सवाधान की तीन विधियां मिली हैं, आयताकार गर्त, वृत्ताकार गर्त, विस्तृत सवाधान। एक विस्तृत ईंट से समाधि मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष मिलते हैं। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष मिलता है। अलंकृत ईंट मिलते हैं, जल निकास की प्रणाली मिलती है, ऊंट की हड्डी मिलती है, काले रंग की चूड़ियां मिलती हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लें, जो मैं बोलता हूं उसे लिख लिया करिए। हाँ, थोड़ा स्पीड ज्यादा होती है तो कम करके लिख लिया करिए, एक बेहतर नोट्स बन जाएगी। कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? अगर मैं की करके देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश। तो ये पूर्वी सीमा हो गई ना। क्यों? क्योंकि इसी तरह से मैप होता है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये सबसे पूर्वी है। पश्चिमी में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, पश्चिम में। उत्तर में मांडा है। लिखने क्या, रुक जाइए एक मिनट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। पूरब में अगर देखें तो आलमगीर है, आलमगीरपुर है, कहां? यूपी में। पश्चिम की बात करें सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर ये कहां पर है? ये बलूचिस्तान में है। ध्यान से लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ये हम लोग को बताया नहीं गया, बलूचिस्तान में है। अगर हम उत्तर की बात करें तो मांडा है, जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद ये कहां पर है? महाराष्ट्र। तो मैं उम्मीद करता हूं अब भविष्य में यहां से आपकी गलती नहीं होगी। ठीक, इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, सरकारी नौकरी की, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी साथी,
चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? मांडा था, अभी हमने देखा, सुरकादोट्टा था, बालाकोट था, हुलास नहीं था। नहीं, हुलास भी था, हुलास था, बालाकोट नहीं था। कि बालाकोट पाकिस्तान में है, ये नहीं था, इसका उत्तर इसलिए डी होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यह बंदरगाह नगर था, यहां स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, सीप उद्योग के लिए, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, चलिए, अगर नेट की दिक्कत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मैं तो अपने से क्लास तो ले रहा हूँ ना। हड़प्पा काल लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हड़प्पा काल के लोगों को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुम्हार के चाक का था, आग का था, गेहूँ, लोहा इन्हें नहीं जानकारी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी, चांदी, सोना, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, चांदी का था, तांबे का था, कांसे का था, सीसा का था, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। गेहूं तथा जौ के साक्ष मिले, लेकिन कहीं पर लोहे का साक्ष नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्य पूर्व सभ्यता किसके मिलने के कारण से कहा जाता है? बर्तन, किसके? बर्तन, मृतभांड, मिट्टी के बर्तन, मृतभांड। इस सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृतभांडों में काले और लाल मृतभांडों की प्रधानता, जबकि सिंधु सभ्यता विभिन्न प्रकार के मृतभांड मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? सही है पूछा है, इनके घर ईंट के बने थे, सही है। सभा भवन खोज मोहनजोदड़ो में, घर निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ऑल ऑफ दी मान्य प्रश्न का सही विकल्प डी राइट आंसर होगा। ठीक, यहां में सिंधु घाटी सभ्यता में घरों का निर्माण ईंटों का प्रयोग था, हड़प्पा में पकी हुई मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ, मकानों के निर्माण के लिए किया गया, प्रत्येक आवासीय भवन के बीच एक आंगन होता था जिसके तीन या चारों ओर चार पांच कमरे, रसोई घर, अष्टानागार होता था, यहाँ पे विशाल सभा भवन मिलती है। ठीक है, जहाँ ईंटों का प्रयोग हुआ था, कहीं कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या थी? यहाँ पे शहर योजना थी, शहर प्रणाली की काफी प्रसिद्ध थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातत्व उत्खनन से, साहित्य से। क्योंकि लेखन शैली पढ़ी नहीं जा सकी है, अभिलेख रहेगा नहीं, साहित्य मिलेगा नहीं, तो पुरातात्विक उत्खनन से ही उनके बारे में जानकारी मिलेगा। क्लियर? ठीक, वहां पे ताम्रपत्र नहीं पाए गए, मृतभांडों पर कुछ लेख मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में आप सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती है, देश हित में, राष्ट्र हित में। अभी की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं।
इसलिए आज की क्लास लंबी नहीं होगी, शायद नेट इशू आ रहा है, लोग बार बार कमेंट करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेलीग्राम पे जुड़ेगा दुर्गेश सर, सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। चलिए, मानव शब्द के धातु का प्रयोग किया गया, तांबा। ठीक, लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि उत्तरी इराक में यह लगभग 8700 ईसा पूर्व माना जाता है, इराक में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। सभी क्लासेज होंगी, लगातार क्रमिक रूप से होंगी, आप लोग का सहयोग रहेगा, सभी क्लासेज होती रहेंगी। एक दो दिन थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन फिर सारी क्लासेज समय अनुसार आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। सभी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, सबकी नोटिफिकेशन वहीं पर आपको मिल जाएगी।